नमस्कार दोस्तों, मनरेगा मजदूरों को प्रति वर्ष 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा घोषणा की गई है। सरकार की पहल पर शीघ्र ही मनरेगा श्रमिकों के दिन बहुरने वाले हैं। 30 नवंबर तक श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। दोस्तों, ये खबर 100% सत्य है। कृपया वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी हो सके किन किन सुविधाओं का लाभ मिलेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने से। इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना ज़रूर देखना और अपने चाहने वालों को भी शेयर करना ताकि सभी को इस सुविधा का लाभ मिल सके। दोस्तों, अब शीघ्र ही मनरेगा मजदूरों के दिन बहुरने वाले हैं। सरकार सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग उनका पंजीकरण कराकर 3,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान देगा। 30 नवंबर तक सभी मनरेगा श्रमिकों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सरकार ने यह भी बाध्यता खत्म कर दी है कि तीन महीने से नीचे काम करने वाले मजदूरों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। दोस्तों, ये बड़ी खबर है, खुश अच्छी बात है। ऑनलाइन जनसेवा केंद्र पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। सरकार ने प्राइवेट संस्थानों में भी काम करने वाले मजदूरों को पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी है। 30 नवंबर तक जो भी मनरेगा मजदूर व अन्य जगहों पर काम करने वाले कामगार अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करा लेते हैं तो विवाहित महिला श्रमिक को 3,000 रुपये वार्षिक एवं अविवाहित मनरेगा मजदूर को 2,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। ग्राम प्रधानों से को 30 नवंबर तक सभी मनरेगा मजदूरों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। मनरेगा अधिकारी विभूति सिंह ने बताया कि इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक व एक शपथ पत्र भरकर मजदूर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो जनसुविधा केंद्र से कराना होगा। मनरेगा मजदूरों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाएगी। श्रमिकों के पुत्री की शादी में 55,000 रुपये से लेकर 61,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। श्रमिकों के 60 वर्ष पूरा हो जाने पर 1,000 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही श्रमिक के दुर्घटना के दौरान मौत हो जाने पर 5,00,000 रुपये एवं अपंगता पर 3,00,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर है, 100% सही है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में करा लीजिए और अपने जानने वाले जो भी श्रमिक भाई हैं वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बड़ी स्कीम है, चूँकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले श्रमिक वर्ग को सरकार खुश करना चाहती है। इसलिए आप लोग जनसुविधा केंद्र जाकर शपथ पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना। इसी तरीके की अन्य जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय हिंद।